हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो हमारे इस आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने किसी भी रेडमी के फ़ोन में आप कैसे कर पाएंगे ब्लूटूथ से रेडमी के फ़ोन में नेकबैंड को कनेक्ट, या फिर आप इसको पेयर्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें। तो आपको अपने रेडमी के फ़ोन में ब्लूटूथ से नेकबैंड पेयर्ड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरफेस में देखने को मिलता है ब्लूटूथ का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्लूटूथ मेरा ऑन है और यहाँ पे आपका जो भी नेकबैंड का कनेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मेरा तो आ चुका है BT मैक्स करके। तो यहाँ पे पेयर करने के लिए, या फिर कनेक्ट करने के लिए मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है पेयर का, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, मेरा पेयर हो चुका है। बैटरी 20% दिखा रहा है और ये एक्टिव है, चालू हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से रेडमी के फ़ोन में आप कर पाएंगे नेकबैंड को पेयर या फिर कनेक्टेड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।